वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स। आज कुछ फरमाइश पे, जैसे कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली बताया कि मैम प्लीज़ ये टॉपिक थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तो उस बेसिस पे मैंने आज वीडियो सेंड किया है। जो रेगुलर सिलेबस पढ़ा रही हूँ उससे थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोज़ देख रहे हैं, जैसे उनके साइड 10th का देख रहे हैं, कोई 5th का देख रहे हैं, कोई 6th का देख रहे हैं, तो ये स्पेशली जो है 5th स्टैंडर्ड का CBSE पैटर्न का एक वीडियो है स्टूडेंट्स। तो एक थोड़ा आपके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है कि मैम ने ये बीच में ही कौन सा वीडियो डाल दिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे वीडियोज़ आते रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक अगर नहीं समझता है तो मैंने वैसा दिया है कि आप मुझे वैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ ये एक्सप्लेन करा दीजिए, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वैसा वीडियो ज़रूर पब्लिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, 7th चैप्टर है इन्वेंशंस, ये बुक है, मैं आपको बता दूँ, सीज़न नाम की बुक है, 5th स्टैंडर्ड में दिया है, और ये वीडियो ऐसा है कि आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स इसे पढ़ सकते हैं, मतलब इन्वेंशंस कैसे हुए, अलग अलग चीज़ों के इन्वेंशंस के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो आप भी इसे समझ सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं कुछ अलग वीडियो है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जानकारी कुछ मिलती है या नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज या जनरल नॉलेज के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्वेंशंस। तो लिखा है कि एन ओल्ड प्रोवर्ब सेज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी मींस जहां जरूरत होती है, आपकी जरूरत जहां बढ़ गई वहां हम कुछ तो भी ऐसा करते हैं कि जिससे कुछ नई चीज निकल कर आती है ना। जरूरत बढ़ी तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हमें जरूरत ही नहीं है तो हमें हम क्यों ढूंढेंगे किसी चीज को। इसीलिए ये जो प्रोवर्ब है ये बड़ा क्या बोलेंगे इसके लिए लागू हो जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशंस, है ना, ज़रूरत ही इन्वेंशंस की मदर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब से इंसान ने विल को ढूंढा है, विल्स, तो उसके बाद इंसान धीरे 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 खुद में प्रोग्रेसिव चेंजेस करते जा रहा है एंड सिग्निफिकेंटली चेंज द वर्ल्ड ब्रिंग्स ड्रास्टिक चेंजेस इन आर वे ऑफ लाइफ। और ड्रास्टिक चेंज, धीरे धीरे जो चेंजेस करते गए आपको प्रोग्रेसिव थी और हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते गए धीरे धीरे। फिर अर्ली स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद काउंटिंग का छोटा सा पार्ट दिया है, उसके बाद हम इन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। अर्ली ह्यूमन बींग्स एट फर्स्ट लर्न ड्रॉ ऑन द वॉल्स, ये तो आपको बताया कि पहले के लोग जो थे ये किसी भी गुफा में कहीं पर भी पत्थरों पर लिख कर बताते थे, एक दूसरे को लिख के बताते थे, या कुछ भी अपने साथ घटा है या जो कुछ वो देखते थे आजू बाजू, तो उस पर वो ड्रॉ करके रखते थे, लिखते नहीं थे बट ड्रॉ करते थे। देन दे लर्न टू राइट, फिर धीरे धीरे वो लिखना सीखे। अर्लियर स्क्रिप्ट वर पिक्टोग्राफिक, पहली जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब पिक्चर्स से शो होती थी, उनका जो भी कहना है वो अपने पिक्चर्स ड्रॉ कर करके बताते थे, क्योंकि तब राइटिंग का कोई ये नहीं था। और जब राइटिंग भी आई तो भी उन्होंने वो पिक्चर्स के फॉर्म में ही डेवलप की थी। द इंडस्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसिफर्ड, अनडिसिफर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स अभी भी वो, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जानकारी कह सकते हैं नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अभी भी उस स्क्रिप्ट को हम नहीं समझ सकते हैं, है ना, अंडरस्टैंडेबल नहीं है वो, तो वैसी स्क्रिप्ट को हम कहेंगे वो है इंडस्क्रिप्ट, मतलब वो वैसी स्क्रिप्ट को नहीं बट इंडस्क्रिप्ट हमारे समझ में अभी भी नहीं आती है, तो उसे कहेंगे अनडिसिफर्ड। द इजिप्शियन, इजिप्शियंस द्वारा जो फाइंड आउट की गई है या डिस्कवर की गई है वो है हेरोग्लिफिक्स, हेरोग्लिफिक्स जो राइटिंग है ये इनके द्वारा फाइंड आउट की गई है। फिर मिजोपोटामिया के जो रहने वाले लोग थे, सुमेरियंस हम उनसे कहते हैं, तो सुमेरियंस द्वारा जो फाइंड आउट की गई थी वो क्यूनिफॉर्म्स है, उनकी राइटिंग को क्या कहते हैं हम, क्यूनिफॉर्म्स कहते हैं। और ये जो हेरोग्लिफिक्स जो थी ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी, मतलब पिक्चर्स द्वारा शो होती थी, ये भी यूनिफॉर्म्स जो दिया है ये भी ऐसे ही कुछ स्क्रिप्ट थी। और फिर है चाइनीज, इसे हम कहते हैं आइडियोग्राफिक्स या फिर आइडियोग्राफिक्स भी कहते हैं कहने वाले, ओके। तो ये चाइनीज ने फाइंड आउट की थी, उनके द्वारा डिस्कवर्ड की थी, फाइंड आउट नहीं बोल सकते, डिस्कवर्ड की थी। सो स्क्रिप्ट ऑल डेवलप्ड एंड केम टू बी यूज्ड बाय पीपल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये स्क्रिप्ट जो थी वो फैल गई। अदर स्क्रिप्ट ऑल्सो डेवलप, और इनसे अलग 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 स्क्रिप्ट डेवलप होते गए धीरे धीरे,
However, books were not common till paper and printing were invented. क्योंकि paper और printing invention उनका invention नहीं हुआ था तो writing work जो था या books हम बोलेंगे वो किसी भी तरीके की publish नहीं हुई थी. फिर है counting. Counting को हम पढ़ेंगे. The concept of counting also developed ages ago. Counting का concept धीरे धीरे develop हुआ. Counting मतलब गिनना है ना. द नंबर शून्य, शून्य आप जानते हैं कि आर्यभट्टा ने शून्य की को डिस्कवर किया था, है ना, यही हम जानते हैं इंडियंस. बट ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्टा से भी पहले किसी ने इन्वेंट कर लिया था, पर आर्यभट्टा ने एशियन जो पूरा कॉन्टिनेंट है इसको शून्य के बारे में अवेयर किया था, ऐसा कहा जाता है. तो फिलहाल तो हम यही चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आर्यभट्टा ने शून्य को इन्वेंट किया था, पर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि इस आर्यभट्टा के पहले भी ये डिस्कवर हो चुका था, पर एशिया में केवल आर्यभट्टा का ही नाम हमें पता है. सो एंड द डेसिमल सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग वेयर इन्वेंटेड इन द इंडिया. डेसिमल सिस्टम पॉइंट वाला जो हम लिखते हैं ये भी इंडिया में फिर इन्वेंट हुआ. फ्रॉम ऑर्डिनरी काउंटिंग टू बाइनरी कैलकुलेशन. हम जो रेगुलर ही जो काउंटिंग करते हैं वो, और बाइनरी मतलब कंप्यूटर में जीरो और वन ये दो डिजिट का इस्तेमाल करके बाइनरी काउंटिंग होती है, तो वो काउंटिंग से हम ऑर्डिनरी काउंटिंग से बाइनरी काउंटिंग तक का भी हमने सफर तय कर लिया. वी हैव कम अ लॉन्ग वे. लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ दिस मेजर इन्वेंशंस हैव कम्प्लीटली चेंज आवर वर्ल्ड. अब देखते हैं कि हमारी पूरी दुनिया को ये जो मेजर इन्वेंशंस हुए हैं इन्होंने किस तरीके से चेंज किया है, वो हम अब देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है पेपर. पेपर का इन्वेंशन हम पढ़ रहे हैं. तो इसके लिए चाइनीज जो लोग थे, ये पेपर का इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो चाइनीज के लोगों को जाता है. इन्होंने सबसे पहले इन्वेंशन किया था पेपर का. ओके, सो 8th सेंचुरी में जो है वो बिजेंटाइन टर्की में सबसे पहले, तो 8th सेंचुरी में ये वहां तक फैला, बिजेंटाइन तक फैला, और 11th सेंचुरी तक यूरोप में भी फैल गया था. इसके बाद यह है कि इजिप्शियन यूज मेक अ काइंड ऑफ पेपर. इजिप्शियंस जो लोग थे इन्होंने पेपर बनाया. किससे बनाया? तो पैपिरस नाम का एक घास की जैसी एक ये होता है, इस तरीके से होता है स्टूडेंट, ऐसा कुछ ये घास की जैसा बना होता है, और ये नाइल रिवर जो है इसके किनारों पे ये घास उगती है. तो पैपिरस के रीड्स से इन्होंने बनाना सीखा. ठीक है, क्या बनाना सीखा? पेपर बनाना. ओके, ऑल अर्ली पेपर वॉज हैंडमेड. सबसे पहले तो पेपर जो थे हैंडमेड थे. एंड मटेरियल यूज फॉर मेकिंग, कौन सी चीज़ों से इनको बनाया जाता था? तो वुड से बनाया जाता था, घास से बनाया जाता था, पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, बाम्बू रैग्स जो दिया है ना, और या फिर बाम्बू से बनाया जाता था, एंड सो ऑन. और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थे जिससे वो पेपर बनाते थे. वेस्ट पेपर इज ऑल्सो रिसाइकल्ड एंड मेड इंटू फ्रेश पेपर. मतलब तब भी ये प्रोसेस होती थी कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं, उन्हें रिसाइकल करके उन्हीं से फिर फ्रेश पेपर बनाया जाए. अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रिंटिंग प्रेस. सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में. जोहान्स गटनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार इन्वेंशन किया था स्टूडेंट्स. जोहान्स गटनबर्ग आपको ध्यान में रखना है, 1400 से 1468 तक, ठीक है, इस ईयर में इन्होंने दिया है. जर्मन प्रिंटर थे ये. एंड ही इज गिवन अ क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द मेथड ऑफ प्रिंटिंग. एक जो उस भी मेथड से वो प्रिंट कर रहे थे वो मेथड कैसी थी स्टूडेंट, इसके लिए तो हमें उन्हें अप्रिशिएशन करना देना चाहिए. एक मेटल की प्लेट, हर एक प्लेट पर एक 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 अक्षर लिखे होते थे, अल्फाबेट लिखे होते हैं, और उस छोटी छोटी प्लेट्स को जोड़ जोड़ कर एक पूरा वर्ड बनाया जाता था. तो ये मेथड से वो प्रिंटिंग करते थे. फिर जो गटनबर्ग हैज बिन वर्किंग ऑन इज प्रिंटिंग प्रेस फ्रॉम द 1430 से 1455 तक इन्होंने काम किया. और फर्स्ट ही प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट 42 लाइन्स की प्रिंटेड बाइबल इन्होंने सबसे पहले पब्लिश की थी. 42 लाइन्स की ही थी वो. एंड गटनबर्ग्स मेथड्स, वो मेथड तो मैंने आपको बता दी कि हर एक मेटल पे एक एक अल्फाबेट लिखकर उसे जोड़कर वो प्रिंट करते थे. ही वॉज वी हैव एडवांस फ्रॉम गटनबर्ग्स मेथड. अब गटनबर्ग की जो तरकीब थी प्रिंटिंग करने की, इससे कुछ हमने एडवांस सीखा, कुछ नया सीखा. तो उसमें दिया है, मैंने यहाँ नहीं लिख के रखा स्टूडेंट्स, लिनोटाइप एंड देन टू फोटोटाइप सेटिंग. लिनोटाइप मीन्स इसी में, पर इसमें क्या होता था, मेटल के ब्लॉक्स यूज किए जाते थे लिनोटाइप में,
ठीक है। और फिर फोटोटाइप सेटिंग मतलब हम जो सॉफ्टवेयर देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उस पर जो प्रिंटिंग देखते हैं उस टाइप की प्रिंटिंग इसमें इंक्लूड होती है। एडवांस अगर नहीं समझ में आता है तो आप इतने ध्यान में रखो कि इनकी मेथड से, गटनबर्ग की मेथड से हमने कुछ नई प्रिंटिंग, नई टाइप ढूंढी, उसे हमने लिनोटाइप नाम दिया। लिनोटाइप से भी हमने कुछ नया ढूंढ के निकाला, कुछ एडवांस ढूंढा, तो उसे हमने फोटोटाइप सेटिंग नाम दे दिया। एंड नाउ द बुक्स आर इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। आज की डेट में बुक्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। एंटिल द 1440 तक बुक्स जो थी ये कॉपी करके लिखी जाती थी, हाथ से ही लिखी जाती थी, ठीक है। तब कोई प्रिंटिंग का ये नहीं था और बुक्स जो थी वो बड़ी महंगी होती थी, बहुत कम और बहुत महंगी होती थी। पर गटनबर्ग्स के इन्वेंशन ने क्या किया कि इन बुक्स को सबके लिए अवेलेबल कर दिया और सस्ता भी कर दिया। फिर है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बुक इज दैट द नॉलेज गेन्ड बाय वन जनरेशन कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। एक बड़ा एडवांटेज है, मतलब फायदा है कि एक जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचा सकते हैं। इफ बुक्स आर अवेलेबल इजीली इट विल हेल्प इंक्रीज लिटरेसी। अगर बुक्स इजीली अवेलेबल है तो लिटरेसी आएगी, मतलब हम हमारे जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा हम एडवांस हो जाएंगे और हम पढ़े लिखे हो सकते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं स्टीम पावर के बारे में। नाउ थर्ड वन इज स्टीम पावर। अब स्टीम पावर क्या है? स्टीम जो पानी की भाप होती है, इससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, तो उसे हम स्टीम पावर कहेंगे। पहले जो था स्टीम पावर का इस्तेमाल केवल माइंस में से वाटर निकालने के लिए किया जाता था। क्या लिखा है? द अर्लीस्ट स्टीम इंजन वेर यूज टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द माइंस। माइंस में से पानी को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। वेट ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया एंड इस इंजिन को यूज दिस इंजिन टू सॉरी इम्प्रूव्ड दिस इंजिन टू यूज स्टीम पावर फॉर रनिंग मशीन्स इन मैनी माइल्स मिल्स। बहुत सारी मिल्स में मशीन्स को चलाने के लिए इन्होंने इस स्टीम पावर का इस्तेमाल किया है। ये जो स्टीम होती है बहुत तेजी से स्पीड से आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से आगे की वर्किंग प्रोसेस होती है। स्टूडेंट्स अभी फिलहाल आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में समझने के लिए बड़ी दिक्कत जाएगी, बट ठीक है, आगे थोड़ा थोड़ा जब बढ़ोगे, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी, तो आप इन पावर्स, ये पावर का इस्तेमाल कैसे होता है वो भी आप समझ जाओगे। फिर दिया है कि जेम्स वेट के बाद जॉर्ज स्टीफनसन हार्नेस वर्ड यूज किया गया है आपके बुक में। तो हार्नेस का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका थोड़ा सा और एडवांस यूज करना। तो इस जॉर्ज स्टीफनसन जो थे, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, इन्होंने इसका इस्तेमाल जो है ये लोकोमोटिव के लिए किया। इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ किया? लोकोमोटिव मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, जैसे व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में इस एनर्जी का इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने इंजन बनाकर आगे उसे बढ़ाने की शुरुआत की। तो सबसे पहले कोचेस चलते थे, केवल डब्बों को चलाया, फिर धीरे उन्होंने एक इंजन बनाया और इस इंजन को चलाने का काम किया। अब जो सुपर फास्ट ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस आप जानते होंगे, उसके बाद है राजधानी एक्सप्रेस, ये जो है सुपर फास्ट ट्रेन है, आज हमने इनका इनसे ट्रैवलिंग कर लिया है। अब जो स्टीम शिप्स जो थी पहले, या ओशन लाइनर्स जो थे, ये आज 19th सेंचुरी में रिप्लेस्ड हो चुके हैं। ये सेलबोट के रूप में आज हम इसे का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल। नेक्स्ट है टेक्सटाइल। तो कपड़ा है ना, हम कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड जो है फूड क्लॉथ्स एंड शेल्टर। तो क्लॉथ हमारी बेसिक नीड है और इंडिया में जो कॉटन है, इसके बारे में या इसका इन्वेंशन हरप्पन सिविलाइजेशन जो था, आपने पढ़ा होगा इसके पहले, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, उस टाइम से हम कॉटन को जानते हैं, है ना, कॉटन यूज करते हैं। और फिर कॉटन वॉज वंस ऑलवेज हैंडस्पन एंड हैंड वोवन। पहले जो कॉटन है वो हाथों से ही पूरा उसका काम किया जाता है, कि उसकी सीड्स भी निकाली जाती है और फिर उसको एक के एक गूंथ कर बनाया जाता था। बट ये जो था ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें बहुत समय लगता था। तो बाद में एली विटनी ये आए, इन्होंने कॉटन गिन को का इन्वेंशन किया। कॉटन गिन ये क्या था? तो इस मशीन के द्वारा कॉटन में से जो सीड्स होती है वो बॉल, छोटे छोटे जो सीड्स होती है वो फटाफट सेपरेट हो जाती थी। तो इनका काम कैसा हो गया? आसान हो गया, इजी हो गया, मतलब उतना काम टाइम हमारा कम हो गया। फिर जेम्स हार्ग्रीव्स, इन्होंने स्पिनिंग जिनी
स्पिनिंग जेनी क्या किया, इन्वेंटेड किया। तो 1964 से 1965 ये एज में, ये ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक साथ दो या तीन स्पिंडल या इससे भी ज़्यादा स्पिंडल का यूज़ करके, स्पिंडल वो धागे के बंडल जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके बहुत कपड़ा फाइनली हम बना सकते थे, इजीली होता था वो काम, हाथों से करने से बेटर था। कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, अर्लियर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो इसकी मदद से, स्पिनिंग जेनी की मदद से कपड़ा बनाने का काम स्टार्टिंग किया था हमने, शुरुआत की थी। तो जो हाथों से बनाते थे उससे काफ़ी स्पीड में ये काम होता था। These inventions made the spinning and weaving of the cotton quicker. ये तो हो गया। When the British came to India to trade, जब British आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, they sent back raw cotton, जो raw cotton यहाँ पर इंडिया में जो कच्चा cotton उगता था, मतलब seeds के साथ जो उगता था पॉड में से निकाला हुआ, वो इंग्लैंड में बेचते थे प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग मतलब उसमें से सीड्स निकालने के लिए वो उनको इंग्लैंड भेजना पड़ता था, कॉटन मिल्स में भेजना पड़ता था, उस कॉटन को वो क्लीन करते थे। फिर डू यू नो, एक छोटा सा और जानकारी दिया है कि इट इज सेड दैट जेम्स वैट गॉट द आइडिया ऑफ स्टीम पावर व्हेन ही सॉ द लीड ऑफ कैटल ऑन द बॉयल बीइंग लिफ्टेड बाय स्टीम। इन्होंने ये ध्यान दिया कि कैटल जो होती है चाय की कैटल, एक छोटा सा एक नया अलग से पार्ट दे दिया इन्होंने, जो पुराना हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा था ना, स्टीम पावर के बारे में। इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो जॉर्ज स्टीफनसन थे इनको कैटल में जो ढक्कन लगा हुआ था स्टीम की वजह से, जब वो ऊपर उठ रहा था, स्टीम जब जमा हो गई अंदर तो वो ढक्कन जो है निकल रहा था, ऊपर उठ रहा था, इससे उनको आइडिया आई कि स्टीम पावर का इस्तेमाल हम कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है टेली कम्युनिकेशन स्टूडेंट, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए टेली कम्युनिकेशन को नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, अपलोड कर दूँगी। बट तब तक के लिए जो है बाय, थैंक यू। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो उन वीडियोस आएंगे, या आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैम प्लीज़ ये वीडियो बना दीजिए, ये मुझे नहीं समझ में आया, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर यू। सो स्टूडेंट।